बरेआज़म अंटार्कटिका ज़मीन का इंतहाई जनूबी खत्ता है और इस पर कुछ जनूबी वाक़िया है और इस बरेआज़म का कुल रकबा 14,425 किलोमीटर है और सारा साल की बर्फ़ में ढका रहता है। ये बरेआज़म चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है और इंसान के लिए अपने अंदर बेशुमार हैरतों के ख़जाने लिए इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करता रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया का 60 से 90% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में है और इस बरेआज़म की सतह पर मौजूद बर्फ़ की तह 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है और बाज़ मकामात पर यह तह 4 किलोमीटर से ज़्यादा मोटी है, यानी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी का नस सिर्फ बर्फ़ की तह है। और इस बरेआज़म की ज़मीन का सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बर्फ़ नहीं है और बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहाँ गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है। अंटार्कटिका के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सहरा है। आप सोचेंगे कि इतना पानी और फ्रीजर जैसा दर्जा हरारत रखने के बावजूद ये सहरा कैसे हो सकता है। हम जब सहरा के मतलब सोचते हैं तो हम ख्याल करते हैं कि सहरा में रेत होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मगर ये बात टेक्निकली ठीक नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है सहरा में रेत और गर्मी हो। ज़मीन के वो इलाके जहाँ बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल बारिश नहीं होती, इन्हें भी सहरा कहा जाता है। और अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ़ की तह को इतना मोटा होने में 45 मिलियन ईयर्स लगे और ये इतनी मोटी इसीलिए हो पाई क्योंकि अंटार्कटिका में इंतहाई कम बारिश होती है और पिछले 30 साल में इस बरेआज़म के साउथ पोल पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरेआज़म अंटार्कटिका में ज़मीन का सर्दतरीन दर्जा हरारत -93.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और इस इलाके को गर्म मरबूत समझना अक्ल के बिल्कुल मुनाफी है, मगर साइंसदानों का कहना है कि यह खत्ता आज से 40 से 50 मिलियन साल पहले हरा भरा जंगल होता था जहां दर्जा हरारत 17 डिग्री तक चला जाता था और इस इलाके में डायनासोरस का भी बसेरा था। इसके अलावा बरेआज़म अंटार्कटिका का अपना कोई टाइम जोन नहीं है। यहाँ दिन और रात से वक्त का शुमार करना नामुमकिन है क्योंकि गर्मियों में 24 घंटे सूरज निकला रहता है और सर्दियों में रात ही रहती है। और वो साइंसदान जो दुनिया के मुख्तलिफ खितों से इस जगह पर तहकीक करने आते हैं अपने अपने मुल्कों का टाइम जोन इस्तेमाल करते हैं। इंसान ने यह बरेआज़म पहली दफ़ा 1820 में दरियाफ्त किया और इसकी दरियाफ्त के बाद बहुत से मुल्कों ने अपनी अपनी सरजमीन करार दिया और बहुत से दूसरे मुल्कों ने इस पर कब्ज़ा गिरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर 1959 में 12 मुल्कों ने एक मुआहदे पर साइन किए जिसके मुताबिक ये बरेआज़म किसी की भी मलकियत नहीं है, इसकी ज़मीन को अमन और साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तब से अब तक 40 ममालिक इस मुआहदे पर साइन कर चुके हैं और इस खत्ते का कोई भी फैसला आपस में सलाह मशवरे के बगैर नहीं किया जाता। इस खत्ते में मछली वगैरह पकड़ने की इंतहाई सख्त कानून है और इस खत्ते की मादनियात के हसूल के लिए खुदाई भी ममनू करार दी गई है। पेंगुइन इस बरेआज़म का परिंदा है जो यहाँ कॉलोनियों की शक्ल में रहता है और इस परिंदे का मेल पेंगुइन वार्म ब्लडेड वो वाहिद जानदार है जो सारा साल हत्ता के सर्दियों में भी इस खत्ते को नहीं छोड़ता। 1911 में इस बरेआज़म पर एक हैरत अंगेज़ वाक़या नोट किया गया जो इस खत्ते के मशरकी हिस्से में ग्लेशियर पर सुर्ख पानी उबलता नज़र आया और एक अरसे तक कोई नहीं जानता था कि ये पानी कैसे सुर्ख हुआ। फिर 2017 में साइंसदानों ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि ग्लेशियर के नीचे झील में नमक और आयरन मौजूद है और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन पर जंग लगने से पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाना है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।